हेलो। और मैं और मेरी बेटी अभी रेडी हुए हैं। अभी हम लोग जाएंगे बाहर, कुछ काम है। भाई आ रहा है, भाई कुछ काम से बाहर गया है, तो वही हम लोगों को लेके जाएगा। फिर कुछ काम है वो भी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का पिकनिक टाइम होगा। हम लोग जाएंगे मौसी के यहाँ, और वहाँ पे जो है हम लोग पिकनिक टाइम मनाएंगे सारे बच्चे मिलकर। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, बड़ों से ज़्यादा मुझे बच्चों से प्यार होता है। चाहे वो मेरी बेटी हो या किसी और के बच्चे हो या मेरा भेगना हो, वो सब जब आते हैं, अगर वो लोग कुछ बोलते हैं तो मैं ना नहीं बोल पाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि बच्चा पार्टी, तो फिर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मेरा भाई आया है तो वो मुझे बाइक से पहुँचा देगा, तो मुझे आज मौका मिल गया। तो मैं कुछ चिकन विकन बना ले रही हूँ, फिर बाकी सामान मेरे मौसी के घर में बनाऊंगी, वो बना के रखेंगी, बोल दूंगी तो। और हम लोग बच्चा पट्टी पिकनिक करेंगे आज। एक प्यारे से व्यूवर ने मुझे मैसेज किया है कि आप भी मुझे छोटे भाई की तरह मानिए। तो फ्रेंड्स, इसमें कहने की क्या बात है? आप अगर अपने मन में मान लिए हो कि मतलब आप मेरे छोटे भाई हो, तो मुझे मानने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, मेरा ब्लॉग देखते हो, मुझसे प्यार करते हो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे हो, तो फिर मानने की क्या बात है? आप हो मेरे फैमिली के एक मेंबर हो, और फैमिली के मेंबर तो कोई ना कोई रिलेटिव हो। अगर आपका इच्छा है कि मैं आपको भाई मानूँ, तो एकदम मैं आपको भाई मानती हूँ, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आपने बोला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू डियर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो ऐसा है जो बोलता दीदी मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानी, तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात है, क्या मैं हमेशा ना स्किन गोरा है? व्हाट इज दिस, स्किन गोरा क्या है? आप जो हो वो बहुत अच्छा है, उसको केयर करके रखिए। आपका स्किन शाइनिंग देगा, ग्लोइंग देगा, उसको मेंटेन करके दे रखिए। ऊपर वाले ने गोरा या काला दो ही रंग तो बनाया है। जो आप पर ऊपर वाले ने अगर आपको काला बना के भेजा है, तो सोचिए कि ऊपर वाले की कुछ मर्जी होगी, कुछ अच्छा ही सोचे होंगे आपके लिए। और काला काला तो राम भगवान थे, काले तो कृष्ण भगवान थे, भगवान थे, तो हम इंसान की क्या हैसियत है? हम इंसान है, भगवान ने अपना रंग मुझे दे के हम लोगों को भेजा है। उस रंगों को संवारिए, सजाइए, ये अच्छे से रखिए, और पानी खूब सारा पीजिए, अच्छे अच्छे खाना खाइए, ज़्यादा चटरपटा खाना मत खाइए। देखिए काला गोरा का फर्क ही मिट जाएगा, काले रंग पर भी लोग दीवाने हो जाएंगे। हमको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे बस में है, उस चीज़ पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो हमारे बस में नहीं है। झूठ मूठ का लोग कितना कितना पैसा खर्च कर देते हैं गोरे होने के चक्कर में, लेकिन वो कुछ घंटों, कुछ दिन और कुछ समय की रहती है। क्योंकि जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है, आप उसे कितना भी छुपाइए ना, कुछ पल के बाद वो जो है अपना रंग दिखाई देता है। से काला गोरा का टेंशन लेने से अच्छा है कि खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपने स्किन का अच्छे से केयर कीजिए। हाँ, ज़्यादा मेडिसिन से ज़्यादा डिपेंड आप घरेलू सामान पे डिपेंड रहिए। हमारे किचन में ही इतने सारे सामान हैं ना, कि हम उससे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करें, सही तरीके से अप्लाई करें, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, इतना अच्छा रंग देगा ना। रंग देने से अच्छा अगर आपके चेहरे शाइनिंग देते हैं ना, तो किसी का भी नज़र आपसे हटेगी नहीं, सबका नज़र आप पे टिक जाएगी। अगर आप गोरे भी हो लेकिन आपके मेरी बेटी भी आना चाहती है, ये देखिए। हाय फ्रेंड्स, मेरी मम्मी का ख्याल रखिए। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप दिल से अच्छे बनिए, सकल सूरत से मायने नहीं रखता है, दिल से अच्छे बनिए। हाँ, कहीं ना कहीं ये हो जाता है, लोग तो बोलते हैं दिल से अच्छे बनिए, लेकिन पहला अट्रैक्शन जो है वो फेस से ही आपके पर्सनैलिटी वहीं से झलकती है कि आप किस तरह का ड्रेसअप किए हो, किस तरह का आपका फेस है। तो मैं ये इस बात को मानती हूँ, तो आप अपने आप को अच्छे से रखो ना, अच्छे से ड्रेसअप करो, अपने फेस को ग्लोइंग करने के लिए कुछ उपाय करो, ना कि गोरा काला होने के लिए। मुझे ये बात ना बार बार सुनने को मिलती है, इसलिए मैंने इस बात पे एक्सप्लेन कर दिया है। और आज आगे आपकी मर्जी। मैं तो इस बात पे कभी, मैं भी वीडियो में थोड़ी गोरी दिख रही हूँ, लेकिन मैं इतनी गोरी हूँ नहीं। मैं भी फैमिली ऊपर मैं गोरे काले पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ, बस इतना ध्यान देती हूँ कि मेरे फेस शाइनिंग कैसे करे, ग्लोइंग कैसे करे। मैं हेल्दी फूड खाने पर बिलीव करती हूँ। बेटी मेरा भाई का इंतज़ार कर रही है, देखिए। और कभी कोई भी गाड़ी यहाँ से क्रॉस करता है, ये आवाज़ सुनती है तो बोलते प्रशांत मामा आ गए हैं, चलो। इसे घूमने से बहुत लगाव है, बहुत, सिर्फ घूमना चाहिए। गाड़ी घोड़ा मतलब किसी भी चीज़, सिर्फ ट्रैवलिंग होनी चाहिए, बहुत इंजॉय करती है। बेटा गंदा लग जाएगा शर्ट ना, ये स्वेटर में। नहीं बेटा, नहीं आए हैं प्रशांत मामा। आ गए प्रशांत मामा? नहीं नहीं आए हैं बेटा, अब आ ही जाएंगे। प्रशांत मामा, प्रशांत मामा।
बेटा आ ही रहे होंगे, प्रशांत मामा को भी काम है ना, वो खुद ही बहुत जल्दी में होंगे, आ ही रहे होंगे। भाई की शादी में मैंने एक चीज़ तो समझ ली कि आप कितना भी शॉपिंग कर लीजिए, कितना भी शॉपिंग कर लीजिए, जब तक फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक शादी खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक आप कुछ ना कुछ आपको याद आता रहेगा, और कुछ ना कुछ आपको कमी दिखती रहेगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। मैं सोची थी कि मैं अपने लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करूँगी, मेरा शॉपिंग डन है, लेकिन फिर जब मैं पैकिंग करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है और ये एक सरप्राइज़ है कि कब है, मैं उस समय ये करूँगी, खोलूँगी बातों को कि किस दिन शादी है, दिखते रहिएगा, मैं सारा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अचानक से मुझे याद है, अरे एक सूट है जो मैं सिलाई थी, तो कुर्ती तो है, उसका लेंस और दुपट्टा नहीं है। फिर ऐसे देखिए ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे कितना सारा काम होगा, धीरे धीरे फिर अपनी बेटी का जो है कपड़ा ठीक करूँगी, तो उस समय भी कुछ ना कुछ बेटी का भी निकलेगा, और हस्बैंड का तो है ही, उनका तो शॉपिंग हो ही रहा है। और मैं सोची थी कि मेरा शॉपिंग डन, अब मुझे शॉपिंग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं क्रिसमस का कुछ अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि मैं क्रिसमस के सारे जो तैयारी कर ली थी, सारा वीडियो बना लिया था, लेकिन मेरे बेटी के हाथ में मोबाइल गया, तो वो पता नहीं क्या कि सारा डिलीट हो गया। मैं सिर्फ अपलोड करती, बाकी एडिटिंग सब कुछ हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो मेन चीज़ जो है क्रिसमस का, वही डिलीट हो गया था, तो मैं फिर नहीं अपलोड की, उसके लिए मैं सॉरी फील कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों से जब मैं हर एक बात, हर एक मोमेंट शेयर करती, तो ये भी एक मेरे लिए बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत बड़ी बात है, तो मैं ये भी शेयर करना चाहती थी आप लोगों से। और मैंने प्रॉमिस भी किया था, मैंने बोला भी था इससे पहले वाला ब्लॉग में, पर ये प्रॉमिस जो है फिलफुल नहीं हो पाई, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और मेरा फेस जो है अभी डल है, और ये है क्योंकि मैं अभी जस्ट मार्केट से आई हूँ, और ठंड का मौसम में थोड़ा सा डस्की हो जाता है, इसकी वजह से मैं काली हूँ, और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं काली हूँ, मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं काली हूँ। घड़ी है इसमें, मैं आप दिखाती हूँ, ये वाला घड़ी है, और इसमें पहले ये बेल्ट लगा हुआ था, एक्चुअली ये शादी में मिला था, तो शादी में ना थोड़ा सा गोल्ड वोल्ड इस टाइप से देते हैं, तो यही दिया था, तो उस समय मेरे हस्बैंड तो ले लिए थे, उसके बाद बोले कि मुझे ये बेल्ट पसंद नहीं है, तो फिर अभी साला का शादी है, तो ये बेल्ट चेंज करवाए हैं। अभी जितना का बेल्ट हुआ है उतना में तो शायद पूरा फर्स्ट एंड घर ही हो जाता, फिर कोई नहीं, साला का शादी बार बार तो होता नहीं है, पर इन्हें भी समझना चाहिए कि साला का शादी है, मेरा नहीं, लेकिन क्या करें कोई बात नहीं, चलता है, होता है। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो उसे लाइक किए बिना मत जाइएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इंतजार किस बात की, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर।